जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूँ इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। बेटी शाम को देर से आती है तो हर माँ बाप पूछते कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसको मिली थी। फोन पे बात करते माँ देखते, हे बात बंद करो, किससे बात करते, किसके बात करते। अरे बेटियों को तो सब पूछ रहे हो, कभी बेटों को तो पूछो कहाँ गए थे। ये बात मैंने लाल किले से कही थी। और मैं मानता हूं ये बुराई समाज की है, व्यक्ति की है, विकृति है, सब होने के बावजूद भी देश के लिए चिंता का विषय है। और ये पाप करने वाला किसी का तो बेटा है, उसके घर में भी तो मां है। मेरी दृष्टि से बेसब्री एक तरुणाई की पहचान भी है। और आपने देखा होगा जिसके घर में साइकिल है उसका मन करता है स्कूटर आ जाए तो अच्छा है, स्कूटर है तो मन करता है यार फोर व्हीलर आ जाए तो अच्छा है। ये अगर जज्बा ही नहीं है तो कल साइकिल भी चली जाएगी तो कहेगा छोड़ो यार बस पे चले जाएंगे, तो वो जिंदगी नहीं है। और मुझे खुशी है कि आज 125 करोड़ देशवासियों के दिल में एक उमंग, उत्साह, आशा, अपेक्षा ये उभर करके बाहर आ रही है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तप करके डेमोक्रेसी पनपती है। मेरी चिंता आलोचना नहीं है, दुर्भाग्य यह है कि आलोचना करने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी बारीकी में जाना पड़ता है, फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे करने पड़ते हैं, हिस्ट्री पूरी निकालनी पड़ती है। अब आज ऐसी आपाधापी का समय है कि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो अब ये काम कर पाते हैं। अच्छा हर एक को इतनी तेजी है कि भाई 24/7 मैं आगे निकलूं, ब्रेकिंग न्यूज मैं दूं या वो दें, ये आपाधापी का युग है। और इसलिए क्रिटिसिज्म ने दुर्भाग्य से उस मर्यादाओं को तोड़ करके एलिगेशन का रूप ले लिया है। लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो क्रिटिसिज्म है, और लोकतंत्र की सबसे विनाशक कोई रास्ता है तो वो एलिगेशन है। इस 5 वर्ष पहले की सरकार की तुलना में हम कहां है ये अगर कंपेरेटिव देखोगे, मैं दावे से कहता हूं हर पैरामीटर में देश के लिए अच्छा करने में कोई कमी हमने नहीं रखी है। मेरे भीतर एक भरपूर विश्वास पड़ा है कि मेरे देश में अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ समाधान भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम्स हैं तो बिलियन सॉल्यूशंस भी है। 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर मेरा भरोसा। मैं गलतियां कर सकता हूं लेकिन बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। चीजें, बच्चों को पढ़ाई,
युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। मोदी जी,